हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सुनीता कालरा और मेरे चैनल सुनीता कालरा आर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाले वाला दलिया। मसाले वाला दलिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले डलते हैं। बीमारों के लिए तो बहुत ही ये टेस्टी होता है, हाजमे वाला होता है। एक चम्मच देसी घी में हम इस तरह से दलिये को भून लेंगे, फ्लैट किसी भी बर्तन में धीमी आंच पर। और ये मसाले हैं, आधा चम्मच नमक, जीरा एक चम्मच, लौंग दो चार, दो बड़ी इलायची, सौंफ एक चम्मच, एक चम्मच काली मिर्च आखी वाली, यह है एक कटोरी चीनी, यह है दो ग्लास पानी। अब हम जो भुना हुआ हमारे पास दलिया है इसको कुकर में डाल देंगे और साथ में इसके हम सारे मसाले जो इसमें हैं वो हम डालेंगे। नमक, चीनी एक कटोरी नाप कर लेंगे, मीठा ज़्यादा चाहिए तो ले सकते हैं। इसके साथ में हम ये सारे सामान इसलिए इकट्ठे करते हैं तो इसमें एक आध चीज़ भूल जाएंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। ये सारे चीज़ें हम इसमें पानी हम दो ग्लास करीब इसमें डाल देंगे। भुना हुआ है इसलिए इसमें तेज से भाप निकली। ये कूट कर डालेंगे बड़ी इलायची दो, और छोटी इलायची भी हम कूट कर डाल देंगे, 5 से 6 इलायची छोटी। ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे, सौंफ, जीरा, लौंग, काली मिर्ची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, इनको हम कूट कर इसमें डाल देंगे। थोड़ा मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। तेज आंच पर सबसे पहले हम एक सीटी आने तक इसको तेज आंच ही रखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जब इसमें एक सीटी इस तरह से आ जाए तब हम आंच को धीमा कर देंगे और उसके बाद हम 15 मिनट तक इसको इसी तरह से रखेंगे। ये तैयार है हमारा दलिया। इससे लिक्विड भी चाहिए तो पानी डालकर बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। और यदि पानी कम मात्रा कम चाहिए तो यह है इस तरह से सूखा चावल की तरह भी ये खाया जा सकता है, जिसको हम बाट कहते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, कम पानी से इस तरह बनेगा, ज़्यादा से लिक्विड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।